साथियों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। सभी को राम राम दोस्तों, सभी को नई साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम इस नए साल में नए उमंग और नए जोश के साथ पढ़ेंगे राजस्थान का जो भी जीके है, राजस्थान के जीके के संदर्भ में राजस्थान की भूगोल पढ़ेंगे, राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ेंगे, राजस्थान का कला संस्कृति पढ़ेंगे, राजस्थान के जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम है उनमें जो जो टॉपिक राजस्थान के महत्वपूर्ण होते हैं उन टॉपिकों का हम विस्तृत तरीके से राजस्थान का पूरा अध्ययन करेंगे। तो आइए आप लोग मेरे साथ रहिए, हम साथ मिलकर इस मंजिल के इस मिशन को उस मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो आपका सभी का मेरे YouTube चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। कहते हैं ना कि तुम जरा साथ दो तो और बात है, कि तुम जरा साथ दो तो और बात है, ये धरा साथ दे तो और बात है। दोस्तों, ईश्वर की जरा सी अगर मदद मिल जाती है ना तो जिंदगी इतनी खूबसूरत हो जाती है। तो कहते हैं कि तुम जरा साथ दे तो और बात है, ये धरा साथ दे तो और बात है। यूं तो चल सकते हैं एक पांव से, यूं तो चल सकते हैं एक पांव से, मगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो आप लोग ऐसे ही साथ देते रहे और आपका सहयोग से हम अपने जो मंजिल है, हमारा जो टारगेट है, हमारा जो लक्ष्य है, उस टारगेट की तरफ बढ़ेंगे। तो अपना जो क्योंकि मैं आपसे एक बात बता देता हूं कि ये लगभग हमें क्लास यूट्यूब पे डाले हुए एक महीने से ऊपर हो गया है, तो अब हम रेगुलरिटी बनाएंगे और राजस्थान का पूरा विस्तृत अध्ययन पढ़ेंगे और आप हमारा साथ देते रहिए। तो आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में जितने भी राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न उठते हैं उनका सभी का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे और उसमें कौन कौन से प्रश्न, किस प्रकार से, कहां से प्रश्न को उठाया जा सकता है, उस प्रश्न के संदर्भ में भी अपन चर्चा करेंगे। तो आइए एक विस्तृत अध्ययन करते हैं राजस्थान के एकीकरण को। पूरा एकीकरण बड़ी शानदार तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी देसी भाषा में पढ़ने वाले हैं। तो आइए, आपका स्वागत है। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण, ये हमारा है आज का टॉपिक। आपको पता है राजस्थान का एकीकरण टॉपिक, तो आपको पता मालूम पड़ गया। बड़ा ही आसान टॉपिक है, बहुत ही इजी है, एक बार पढ़ने पे कभी भूल ही नहीं पाओगे, गारंटी देता हूं इस बात की। तो पढ़ो, आपको पता है जब हमारा देश भारत स्वतंत्र हुआ था उससे पहले हमारा देश कई देसी रियासतों में क्या हुआ था, बंटा हुआ था। उन रियासतें कितनी थी उस समय, क्योंकि भारत जब स्वतंत्र हुआ था, भारत स्वतंत्र होने से पहले पहले देसी रियासतें रियासतों में बंटा हुआ था। देसी रियासतों में, तो उस समय भारत में कितनी देसी रियासतें हुआ करती थी, उस समय भारत में 565 देसी रियासतें हुआ करती थी। इन 565 रियासतों का एक करना ही क्या कह रहा था, एकीकरण कह रहा था दोस्तों। अब आपको पता है कि 565 रियासतें थी, उसको मिलाया गया, तो उसको मिलाया गया, तो उस समय क्या हुआ कि कुछ ऐसी रियासतें थी है ना जो भारत के अंदर भारत के एकीकरण में शामिल नहीं होना चाहती थी। वो कितनी रियासतें थी, 3 रियासतें थी। तो 3 रियासतों ने भारत के एकीकरण के समय विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए। वो कौन कौन सी थी, और पूछा जाता है कि भारत के एकीकरण के समय, स्वतंत्र भारत का जब पहली बार एकीकरण किया गया तो सबसे पहले कितनी रियासतों ने विलय पत्र पर साइन किया, तो वो रियासतें थी 562 रियासतों ने विलय पत्र पर क्या किया था, सर्वप्रथम साइन किया था विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली रियासतें, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली रियासतें थी 562 रियासतें थी। अब 3 ऐसी रियासतें थी जो क्या है कि भारत के एकीकरण में सम्मिलित नहीं होना चाहती थी, वो कौन कौन सी थी, एक तो थी हैदराबाद, एक थी जूनागढ़ और एक थी जम्मू कश्मीर। आप सबको पता है जम्मू कश्मीर, ठीक है, ये 3 रियासतें थी, ये भारत के एकीकरण के समय क्या कि भारत में नहीं मिलना चाहती थी ना, इसके पीछे भी रीजन था। लेकिन जब एकीकरण किया गया तो सैन्य बलों के द्वारा इन दोनों को तो मिला लिया गया, लेकिन जो जम्मू कश्मीर थी
इसको क्या है कि इसको एक अलग तरीके से मिलाया गया था, उसका भौगोलिक क्षेत्र तो भारत में शामिल कर लिया गया था, लेकिन उस पर कुछ शर्तें रखी गई थी। वो आपको पता है पूर्ण रूप से एकीकरण में शामिल हुई थी, आपको पता है 5 अगस्त 2019 में, आपको पता है धारा 370 हटाई थी, 35 ए को टाकरिस को शामिल किया गया था, अब पूर्ण रूप से भारत के एकीकरण में शामिल हो गई जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी रियासतें कौन सी थी और भारत की सबसे छोटी रियासतें कौन सी थी। तो भारत की सबसे बड़ी रियासत की बात करें ना, तो भारत की सबसे बड़ी रियासत थी हैदराबाद, सबसे बड़ी रियासत यह थी भारत की सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद। और सबसे छोटी रियासत की बात करें ना, तो वो थी भारत की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी, बिलवारी। बिलवारी जो रियासत थी भारत की सबसे छोटी रियासत थी, यह थी एमपी मध्य प्रदेश की। ठीक है, बिलवारी रियासत थी भारत की सबसे छोटी रियासत एमपी मध्य प्रदेश की, सबसे बड़ी रियासत थी हैदराबाद। ठीक है, इस प्रकार इन 565 रियासतों का एकीकरण क्या कहलाया था, एकीकरण कहलाया था। तो इस प्रकार क्या हुआ, एकीकरण हुआ। अब पूछा जाता है कि राजस्थान का एकीकरण कैसे हुआ, ये तो भारत का था, अब अपन चर्चा करते हैं राजस्थान के एकीकरण के बारे में। ठीक है, राजस्थान का एकीकरण कैसे हुआ और राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में क्या क्या योजना बनी, क्या क्या हुआ, किसको अध्यक्ष बनाया गया, कितने दिनों तक राजस्थान का एकीकरण चला था, क्या इसके पीछे रीजन रहे थे, क्या इसके पीछे कारण रहे थे। तो अपन पढ़ते हैं राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण पढ़ने से पहले राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में पद विशेषों की कुछ क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। एकीकरण के पद विशेषों की क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। पद विशेष के बारे में जानेंगे सर्वप्रथम। ठीक है, पद विशेष के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता देता हूं इसमें कौन कौन सी बातें आती हैं, कि उसका इसकी योजना एकीकरण की किसने बनाई थी, इसका श्रेय किसे दिया जाता है, उस समय क्या हुआ था, क्या क्या मतलब समितियां बनी थी, कौन कौन सी, इसके संदर्भ में पढ़ने वाले हैं। तो जो एकीकरण की जो योजना थी, एकीकरण की योजना, योजना किसने तैयार करी थी एकीकरण की, एकीकरण की योजना करी थी राम मनोहर लोहिया ने, मनोहर लोहिया ने, राम मनोहर लोहिया ने राजस्थान के एकीकरण की योजना, जो एकीकरण था ना भारत का, उसकी योजना तैयार करी थी। ठीक है, अब पूछा जाता है कि उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, देश का वायसराय कौन था, तो उसके संदर्भ में चर्चा करते हैं। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, उसका नाम था क्लीमेट एटली, एटली क्लीमेट एटली था भारत का, सॉरी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। ठीक है, और अब पूछा जाता है कि देश का वायसराय कौन था, देश का वायसराय कौन था, तो वो था लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन था देश का वायसराय। अब एक बार कई बार ये पूछ लिया जाता है कि एकीकरण से पहले है ना 1947 भारत का आजाद होने से पहले ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो आपको याद रखना है चर्चिल था, विलियम चर्चिल। ठीक है, ये था 1947 में क्लीमेट एटली ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, ये था 1945 में। ठीक है, ये इसके संदर्भ में आ जाती है। अब जब भारत का एकीकरण किया गया और राजस्थान का एकीकरण किया गया, तो कुछ समितियों का गठन किया गया था, जैसे आपको बता दें कुछ समितियां बनी थी, समितियां बनी थी कौन कौन सी बनी थी, एक तो बनी थी प्रांतीय समिति, प्रांतीय समिति, और एक बनी थी संघ समिति, और एक बनी थी प्रारूप समिति, इस प्रकार समितियां बनी थी। ठीक है, इन समितियों ने क्या किया था, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। तो आपको पता है जैसे प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको प्रांतों को एक करना था, एकीकरण करना उसका काम था। जैसे प्रारूप समिति है, ये जो प्रारूप समिति है इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है ना, तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष यानी मसौदा कमेटी के अध्यक्ष, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, जिसने संविधान का निर्माण किया था, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। ठीक है,
और अब प्रांतीय समिति की, क्योंकि एकीकरण का जो काम था वो किसको सौंपा गया था, प्रांतीय समिति को सौंपा गया था, तो इसका अध्यक्ष कौन था, प्रांतीय समिति का अध्यक्ष। अध्यक्ष की चर्चा करें, प्रांतीय समिति का अध्यक्ष था सरदार वल्लभ भाई पटेल। नाम आप लोगों ने सुना ही होगा अच्छी तरीके से, इसकी सबसे ऊंची मूर्ति कहां बनी हुई, गुजरात में बनी हुई, आपको पता है स्टेच्यू ऑफ यूनिट, आपको पता है ना इस चीज का। तो इसके संदर्भ में चर्चा करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि क्या था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसको राजस्थान का एकीकरण करने का क्या दिया जाता है, श्रेय दिया जाता है, यानी राजस्थान का एकीकरण का श्रेय किया जाता है, एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है, तो श्रेय की बात करें तो इसको दिया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे, जिन्होंने क्या किया था, भारत के जितने भी प्रांत थे सबका क्या किया था, एकीकरण किया था। तो इसके संदर्भ में चर्चा करते हैं, इसके कई उपनाम है, उपनामों की चर्चा करें तो उसको कहा जाता है भारत का लोहा पुरुष। आपको पता है भारत का लोहा पुरुष किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। और राजस्थान के लोहा पुरुष की बात करें, राजस्थान के लोहा पुरुष, राजस्थान के लोहा पुरुष की बात करें, राजस्थान का लोहा पुरुष किसे कहा जाता है, किसको कहा जाता है, दामोदर दास राठी को कहा जाता है। ठीक है, दामोदर दास राठी को, ये थे बयावर, अजमेर के क्या थे, बढ़िया थे भाई, बयावर अजमेर के रहने वाले थे, दामोदर दास राठी, राजस्थान के लोहा पुरुष कहा जाता है जिसको, बयावर अजमेर के रहने वाले थे, एक बढ़िया थे ये, जिसने क्या था क्रांति गतिविधियों में भाग लिया था। अब पूछा जाता है भारत का लोहा पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के आयरन मैन लेडी किसे कहा जाता है, इंदिरा गांधी को कहा जाता है, भारत का आयरन मैन किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अब एक महत्वपूर्ण उपाधि है इसकी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की आपने सुनी होगी, उसका नाम है भारत का बिस्मार्क, इसको क्या कहा जाता है, एक और उपाधि है इसकी, भारत का बिस्मार्क, भारत का बिस्मार्क, इसको कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अब पूछो कि ये बिस्मार्क कौन था, इसको ये उपाधि क्यों दी गई सरदार वल्लभ भाई पटेल को, मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा करता हूं। ठीक है, इस संदर्भ में अपन थोड़ा सी और जानकारी, विस्तृत जानकारी पढ़ते हैं कि बिस्मार्क के, भारत का बिस्मार्क क्यों कहा जाता है इसको। तो आपको पता बिस्मार्क, बिस्मार्क एक देश है जर्मनी, ऐसे ये मान लो जर्मनी देश हो गया, जर्मनी, इसके अंदर एक प्रांत है प्रसा प्रांत है, ये क्या इसका प्रांत है, इस प्रसे प्रांत का जो प्रसा का था ना, इसने क्या किया था, बिस्मार्क ने एकीकरण किया था। कब किया था इसके संदर्भ में पढ़ते हैं, क्योंकि जो प्रांत है ना प्रसा, उसका जो शासक था, शासक की बात करें, उसका शासक था विलियम प्रथम, ये उसका शासक था। ठीक है, इस विलियम प्रथम का चांसलर बना ये बिस्मार्क। कब बना था, 1862 में, 1862 में बना था। अब क्या हुआ कि ये जो जर्मनी का जो प्रशा था, प्रांत था जर्मनी का, उस पे जो अन्य देशों का क्या था, अधिकार था। ठीक है, सुडोन और फ्रांस जैसे, सुडोन का भी उस पे क्या था, अधिकार होगा था, फ्रांस जैसे देशों से क्या लगता था, उस पे उसको डर था। तो इसके संदर्भ में जो बिस्मार्क था, उसने क्या किया था, एकीकरण किया था इसका, प्रशा का। ठीक है, प्रशा का क्या किया था, एकीकरण किया। कब किया, 1872 में किया था, किसने, बिस्मार्क ने किया था, और उसका शासक आपको पता है विलियम प्रथम था। ठीक है, बिस्मार्क ने 1872 में एकीकरण किया, तो
तो विलियम प्रथम नाना इसने उसको एक उपाधि थी, किसको? बिस्मारक उपाधि दी थी, उसको कहा था उसने बाजीगर, बाजीगर की उपाधि दी थी। राजनीति का बाजीगर किसे कहा जाता है आपको बताया? हमारे राजस्थान के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हमारे मुख्यमंत्री जी, ठीक है। विलियम प्रथम को बाजीगर, विलियम प्रथम ने क्या कहा था बिस्मारक को? बाजीगर कहा था। इसी प्रकार क्या है कि भारत का जो एकीकरण का काम था, जो भारत में एकीकरण करने का कार्य किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। तो भारत का बिस्मारक कौन हो गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गया। तो इस प्रकार उसकी जो ये बातें होती हैं। अब चलो आगे चलते हैं, ये तो उनके पद विशेषों के बारे में चर्चा हो गई, उपाधियां हो गई। अब थोड़े से आगे चलते हैं कि एकीकरण करने से पहले राजस्थान में क्या था, है ना, इसकी चर्चा करते हैं। एकीकरण से पहले राजस्थान, एकीकरण से पहले पहले रियासतों में बंटा हुआ था, देसी तीन खंडों में बंटा हुआ था, ऐसा लिखो यहां पे, तीन खंडों में बंटा हुआ था, तीन खंडों में क्या हुआ था? बंटा हुआ था, यानी राजस्थान तीन खंडों में बंटा हुआ था, ठीक है। कौन कौन से? एक तो रियासतों में, रियासतों में बंटा हुआ था, एक बंटा हुआ था केंद्र शासित प्रदेशों में, एक देश में ठिकाने, ठिकानों में, ठीक है, देसी रियासतों में बंटा हुआ था। आपको बताइए ना इस चीज का, स्वतंत्र भारत से पहले, भारत जब स्वतंत्र हुआ उस समय राजस्थान था वो तीन खंडों में बंटा हुआ था, देसी रियासतों में बंटा हुआ था, केंद्र शासित प्रदेशों में बंटा हुआ था और ठिकानों में बंटा हुआ था। अब कितनी रियासतों में बंटा हुआ था, कितने ठिकानों में बंटा हुआ था और कितने केंद्र शासित प्रदेशों में बंटा हुआ था, इसके बारे में चर्चा करते हैं। रियासतें थी उस समय राजस्थान में 19, ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो एक था, और ठिकाने की चर्चा करें तो तीन था, ठीक है। रियासतों के बाद बात पढ़ते हैं, थोड़ा सा पहले इसके संदर्भ में जानते हैं, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था उस समय? उस समय केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा, मेरवाड़ा ये केंद्र शासित प्रदेश था राजस्थान का। पूछा जाए कि राजस्थान का केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा, और ठिकाने कौन कौन से थे? आपको याद रखना बड़े आसान है, एक तो नीमराणा, नीमराणा, एक है लावा, ठीक है, एक है कुशलगढ़, ये तीन क्या थे? ठिकाने थे। कहां कहां पड़ते हैं? अलवर में ये नीमराणा पड़ता है, वर्तमान में कहां ये? अलवर में। जब एकीकरण हुआ राजस्थान का तो ये था जयपुर में, लेकिन जब जिले बनाए गए, संभागीय, जब जिलों को अलग अलग किया गया ना, जिले का निर्माण हुआ तो ये कहां पे चला गया? टोंक में आता है वर्तमान में, ठीक है। तो पूछा जाए कि लावा कहां पे है वर्तमान में? कहां है? टोंक जिले में आता है, ठीक है। अब पूछा जाए कुशलगढ़, ये आपको बताया बांसवाड़ा, बांसवाड़ा जिले की तहसील है फिलहाल, आपको बताया इस चीज का, ये थे। अब इसके आगे आपको विस्तृत चर्चा करेंगे। अब पढ़ते हैं देसी रियासतें थी कौन कौन सी भारत के अंदर, जो राजस्थान के अंदर रियासतें थी, उन रियासतों की बातें करते हैं और इन रियासतों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एक तारीख आपको ध्यान में रखनी है, वो तारीख है 5 जुलाई 1947, बड़ी महत्वपूर्ण। इस दिन क्या हुआ था? रियासती सचिवालय की स्थापना हुई थी, स्थापना की गई। पूछा जाता है कि रियासती सचिवालय की स्थापना कब की गई? तो 5 जुलाई 1947 को की गई, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष की अगर चर्चा करें तो इसके अध्यक्ष थे वीपी मेमन साहब। वीपी मेमन साहब को का ये भार दिया गया था कि आप क्या करोगे,
इन जो राजस्थान का जो एकीकरण है, राजस्थान की जो रियासतें हैं उनको आप विलय पत्र पर साइन कराओगे, और हमारी जो प्रांतीय समिति है ना, जिसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको जो भी है सौंपोगे, और उसको जो भी आपकी समस्या आती है तो उसका निदान प्रांतीय समिति आपका सहयोग करेगी। तो वीपी मेमन क्या करते हैं, जो विलय पत्र पे हस्ताक्षर करने के लिए यहाँ की रियासतों के जो शासक थे उनके पास जाते हैं। अब शासकों की चर्चा करते हैं और घनिष्ठ रियासतों की चर्चा करते हैं कि कौन कौन शासक थे, कौन सी रियासतें थी, अब उसके संदर्भ में चर्चा करते हैं। ठीक है, आपको बताया टोटल रियासतें थी घनिष्ठ रियासत, घनिष्ठ थी। अब घनिष्ठ रियासत पढ़ेंगे और घनिष्ठ रियासतों के क्या पढ़ेंगे, शासक पढ़ेंगे। आइए साथ में याद रखना, बहुत ही आसान है। अगर रियासतें आपको याद हो जाती हैं और रियासतों के शासक आपको याद हो जाते हैं तो आपको एकीकरण पढ़ने में बिल्कुल ही जोर नहीं आएगा। चलो शुरू करते हैं। एक नंबर पे याद रखना, पहले मैं रियासतों के नाम लिख देता हूं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, जयपुर और याद रखना जयपुर के नीचे शाहपुरा, टोंक, बूंदी, कोटा, चलो यहां पे लिख दो आप बांसवाड़ा, दस नंबर पे लिख दो डूंगरपुर, ग्यारह नंबर पे आएगी डूंगरपुर, प्रतापगढ़ बच गई ना, प्रतापगढ़, ऊपर शाहपुर आएगी, इधर चलो फिर वो थी किशनगढ़, ठीक है। अब ऊपर चलो तेरह नंबर पे किशनगढ़ और है उदयपुर, सिरोही, जैसलमेर और जैसलमेर के बाद है जोधपुर,